आपको बता दें, आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर किसानों को समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश के हर जिले में जगह जगह पर किसानों को समर्थन देने के लिए एक बड़ी जनसंदेश यात्रा रैली निकालने की तैयारी थी। वहीं आज जनपद फिरोजाबाद के नवागत एसएसपी अजय कुमार पांडे के दिशा निर्देश के अनुपालन में एवं थाना सिरसागंज सीओ इंदु प्रभा के मार्गदर्शन में थाना सिरसागंज प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम ने मैप फोर्स के साथ सिरसागंज इटावा रोड स्थित फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डीपी यादव उर्फ दुर्गपाल सिंह के आवास पर सुबह से पहुंचकर आवास के एरिया को सील करते हुए भारी पुलिस बल तैनात करते हुए उन्हें नजरबंद कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो लगातार किसानों का शोषण कर रही है, क्योंकि यह सरकार हमेशा दलित, मजदूर, गरीब किसानों को भूल चुकी है। वहीं आज आए दिन किसानों को जहां उन्हें पराली जलाने के झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, वहीं आज किसानों को अपनी किसी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण देश का किसान कई जगहों पर आत्महत्या की कगार पर है, जिसको लेकर हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे। पुलिस ने आज हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से नजरबंद करते हुए रोका है, लेकिन कल हम सब कार्यकर्ता किसानों के साथ फिर उनके साथ खड़े होंगे। फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज़। तो आज पुलिस ने जिस तरह से नजरबंद किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले पर जगह जगह किसान जो इस समय प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, उसमें समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में किसानों को पूर्ण सहयोग और समर्थन देने के लिए अपना आज जो एजेंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आदरणीय अक्षय यादव के निर्देशन में जिला फिरोजाबाद में हम लोगों का धरना प्रदर्शन दवरी कार्यालय से एक पदयात्रा मोटरसाइकिल और साइकिल के माध्यम से करीब 5,000 लोगों के साथ शहर में सीधे आशावाद, रसूलपुर, जाटापुरी और सुभाषराया होते हुए राजाताल से उसाइनी से हम लोग ककरवकोठी और रामगढ़ और सीधा कोटला चुंगी मंडी, जहां मंडी में किसानों के साथ हम लोगों को वार्ता करनी थी, वहां से किसानों के सब पद यात्रा के रूप में वहां से हम सीधे लोग पूरे क्षेत्र में निकलने का आज भ्रमण हमारा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने दमनकारी नीतियों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों आज के खिलाफ जाति करने का आप सब लोग देख रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोगों को 8:30 बजे हमारे आवास पर हम लोगों को नजरबंद कर दिया गया पुलिस प्रशासन के माध्यम से, और हमको इस पद यात्रा में या इस किसान सहयोग सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूर्ण रूप से प्रशासन ने हमें रोका है। भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीत और रीत है, ये हमारा संविधान का अधिकार है कि हम लोग अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को भी कुचलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम समाजवादी पार्टी पूरा जिला फिरोजाबाद और के लोग इस नीति का हम विरोध करते हैं, और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन किसानों के साथ बराबर जारी रहेगा। प्रशासन हमें रोके चाहे सरकार रोके, आज हमें रोका है लेकिन हम कल नहीं रुकेंगे। हम इस आंदोलन में किसानों का साथ बढ़ चढ़ के देंगे, ये हमारा संकल्प है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, उसका हम आह्वान पे इसका हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे।